खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। थैंक यू सिस्टर मिनी। गाइस वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल एंड डिनर, आप लोग ठीक होंगे। गाइस आज हम जो हैं वो क्या बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं बैंगन के पकोड़े। और जो है वो किस तरह से बनाएंगे वो आपको सारा बताते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी हम जो है वो वैरायटी थोड़ा सा अलग सा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। सारी चीज़ें जो है वो घर से ही आपको मौजूद मिलेंगी, तो इसके लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी कि बाहर जाके लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है ये देखें, ये है अजवाइन, ये 1/4 है, ठीक है। स्पून 2 टीस्पून है हमारी लाल मिर्च, ऐसे ही नमक भी 2 टीस्पून है, और ये जो है ये 2 ये चुटकी जो है वो ज़ीरा है, ठीक है। साथ में जो है वो हमने क्या करना है कि 2 प्याली हमने ले लेने हैं बेसन, ठीक है, 2 प्याली। और ये कितने, 3 जो होते हैं बैंगन उनके लिए है, 3 बैंगनों के लिए। अभी हम जो है ये बेसन को इसमें डाल देंगे, ठीक है। और ये देखें ये जो है ये बैंगन है, इनको हमने पानी में डाल के रखा है क्योंकि ये काले हो रहे हैं, तो इसलिए पानी में डाल के आप लोग रख दें जब तक आप दूसरी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी इनको जो है वो साइड पे रख देते हैं, और साथ में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। मैं पहले ही डाल रही हूँ। मैंने जो है यहाँ पे योगर्ट भी लिया है, 3 चम्मच योगर्ट है, ठीक है। ये भी इसके अंदर ऐड करना है आपने, ठीक है, पहले ये ऐड करना है, ठीक है, और साथ साथ नीट करते जाना, सारा गंद नहीं डालना। और ये जो है पानी थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर डालना, मैं ये रख के आऊँ। थोड़ा पानी डालकर आपने हाथ से ही इसको जो है वो करना है, और हाथ धोकर हमेशा आपने हर चीज़ को करना है, ठीक है। पानी यहाँ पर और रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। साथ साथ आपने पानी डालना है, एकदम से नहीं डालना, फिर वो जो है ठीक नहीं बनेगा बैटर, ठीक है। मुझे लगता है ये सारा डालेगा, ये सारा ही डालेगा, बल्कि और भी मुझे लगता है कि डालेगा। तो अच्छे से इसको जो है आपने करना है। देखिए गाइस ये जो है ना, ये इतना आपका जो है वो बैटर थिक होना चाहिए, ठीक है, इससे ना कम ना ज्यादा, ठीक है, इस तरह का। इससे पतला नहीं होना चाहिए और ना इससे गाढ़ा होना चाहिए। क्यों, ये देखें, क्योंकि फिर जो है ना वो उसके साथ चिपकेगा नहीं और फिर मजा नहीं आएगा। पकौड़े बने, ये बैंगन के पकौड़े बनेंगे। और फिर ये देखें, अभी जो है ना बाजी ने एक और चीज़ की है, ये अनियंस काटे हैं और साथ में आलू काटे हैं, और ये जो है ना ये चिली काटी है, ठीक है। अभी वो बताएंगी कि इसमें मतलब चिली को क्या करना है। तो ये भी बेसन के साथ हम करेंगे इसको फ्राई, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं फिर। और ये जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है, बेसन वगैरह उसी तरह से आपने रखना है। और दूसरा एक और चीज़ बता दूं, जो मैंने आपको क्वांटिटीज बताई है ना, वो आपने टीस्पून भर के डालना है, ठीक है। टीस्पून आपने भर के डालना है 3 बैंगन के लिए, ठीक है। आपने ये लेवल करके नहीं डालना, आपने भर के डालना है, फिर ही टेस्ट आएगा, ठीक है। तो आगे जो है वो आपको दिखाते हैं कि इनके साथ हम क्या करने वाले हैं, करते जाएं, ठीक है। ये बेसन का काम हो गया, तो अब इसको मैं करूंगी क्लियर। नीचे जितना भी गिरेगा वो साफ कर देना आपने। हाँ जी, अभी बाजी आपको बताएंगी कि वो इनके अंदर क्या करने वाली हैं। हेलो गाइस, अच्छा इसके अंदर मैंने ये थोड़े से एक स्लाइस लिया है मैंने आलू का, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा धनिया, और एक जो है ना चम्मच है चाट मसाला, टीस्पून के वो टेबल स्पून है। तो ये जो मिर्चें पड़ी हुई है ना, ये है 5 मिर्चें हैं, ये इनके अंदर मैंने इसको मिक्स करके तो इसके अंदर फिलिंग करनी है।
और बाद में जो है ना बेसन की कोटिंग करके तो इनको भी फ्राई करेंगे। और ये प्याज भी लिया था, एक मीडियम सा प्याज था और एक मैंने आलू लिया था। तो असल रेसिपी तो वही है, लेकिन ये चीज़ें हमने मतलब अपने तरीके से रखी हैं करके के मतलब उस मटेरियल में हम इनको भी फ्राई कर सकते हैं। तो अभी कोटिंग जो है वो करने लगे हैं, कोटिंग अभी ये मैंने फिलिंग। अभी मैंने इसको मिक्स कर लिया और अपने मुंह से बचा के रखना है, अपने कोई हाथ ना लग जाए आपके मुंह पे, वरना चाट मसाला है तो वो जलन होगी आपको। ये देखिए इसके अंदर मैंने इसको फिल कर लिया। ये मैं भी अभी सीख रही हूँ, मैंने ये पहले नहीं कभी खाए तो होगा ना, बनाया कभी नहीं है, देखा नहीं है मतलब, तो मैं अभी देख रही हूँ। मैं अभी और बैंगन एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है बैंगन आलू ऐसी चीज है जिससे बहुत सारी रेसिपीज बन सकती हैं। ये ऐसे फिल करना है इसको, तो इसलिए जो है वो आगे और भी रेसिपीज आपको बैंगन की हम लेकर आएंगे। जिनको मिर्ची के अंदर से सारा मैंने मिर्ची का गूदा जो है वो निकाल लिया था, उसको खाली कर लिया था और उसके अंदर ये सारा मसाला भरा है। अब इसको जो है ना लास्ट पे पहले बैंगन फ्राई करेंगे और लास्ट पे जो है ना मिर्ची को जो है उसके अंदर कोट करके बेसन में तो इनको फ्राई करेंगे। प्याज, जरा सा टमाटर और एक स्लाइस आलू का और धनिया। ये देखें, मैंने भी ये रेसिपी सीख ली है वैसे आज, अभी जो है फ्राई करके भी आपको फिर दिखा देंगे। हीट आपने करना है ऑयल को, और थोड़े थोड़े से जब ये बबल्स आना शुरू हो जाए मतलब ये हीट हो रहा है, तो उसके बाद आपने जो है वो बैटर में उसको डालकर जो है फ्राई करना है। हम जो है वो उसको करते हैं फ्राई। ये देखें यहाँ पे हमने लगा लिया है, ठीक है, और अभी हम डालेंगे। ये और यहाँ पे जो है चूल्हे को हल्का कर देना है, लो फ्लेम पे कर देना है, वरना कच्चा रह जाएगा अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे। और बिल्कुल एहतियात से आपने करना है, ये ऐसे ना हो कि जो है वो आपके हाथ पे ऑयल लग जाए, बहुत एहतियात से। पांच ही डालेंगे ज़्यादा। हाँ, ये जो इतनी कढ़ाई है ना इसमें पांच ही डाल सकते हैं, इसलिए पांच हम डालेंगे। डन होते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। हमने ये देखिए ट्रे भी तैयार कर ली है, इस पे अगर टिश्यू रखिए तो वो ज़्यादा सही है। यहाँ पे रेडी हो रहा है, कितना यमी लग रहा है, मज़े मज़े का। ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत से लोगों ने किया भी होगा। आज हम कर रहे थे तो हमने कहा कि हम चले आप लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं रेसिपी। कुछ लोगों की रेसिपी अलग होती है, कुछ की कुछ चीज़ें अलग होती हैं इस वजह से। और ये वाली जो ये वाला आपने कुछ लोगों ने पहली दफ़ा सुना होगा या बनाया नहीं होगा, सुना ही होगा बस, तो ये भी ट्राई कीजिएगा, बड़ा यमी बनते हैं ये। ये देखें, और वो चिली डाली है आपने, चिली डाल ओए। ये देखें ये चिली डाली हुई है, ये देखें दिखा के भी बताएंगे आपको कैसे। अभी मामा को देने जा रही हूँ बैंगन वाला, तो वो बताएंगी क्या कैसा लग रहा है। गाइस ये अब मैं लेकर जा रही हूँ, इसमें आलू का भी है, ये मिर्ची भी है और प्याज भी है। अब देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसे लग रहा है, लगेगा जी। तो खा के देखें, ये दे मामा के पास ले आए हैं, खा के देखेंगी। ये है प्याज का, हाय 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 हाय, मजे का, बहुत डिलीशियस, मज़ा आ गया वाकई में। आज इन्होंने मिर्ची के और प्याज के और बैंगन के पकौड़े और आलू के भी हैं बीच में, ज़बरदस्त, बहुत बहुत टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी हैं। आप लोग भी खाओ और मज़े करो। थैंक यू सिस्टर मिनी, ऑलवेज मेक्स डिलीशियस, वेरी वेरी गुड, डिलीशियस। थैंक यू, खुदा की कसम मजा आ गया।
मुझे मार कर वे शर्म खा गया। जब मम्मी चीज पास कर दे तो चीज। हाँ देखे बाजी की बात, देखे जब अम्मी पास कर दे तो पास हो जाते। ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, ये वैसे भी उनको मजे का लगा है, उन्होंने बाद में भी तारीफ की है, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं कर रही। मैं खाती ना क्योंकि जो है मैंने कहा था, क्योंकि बाजी और मैं कह रहे थे कि ना आपने वाओ वाओ कहना है, वाओ वाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वाक्य में ही अच्छा है, तो यही वाली रेसिपी बनाइएगा। और ये जो चिली है ये तो जरूर बनाएगा, क्योंकि ये वैरायटी हमने की है इसके अंदर, ये पहले कभी भी हमने ऐसे वैरायटी नहीं की, सिर्फ चाट मसाला डाल के ही हम बनाते थे। उम्मीद है आपको ये जो रेसिपी है ये अच्छी लगी होगी। तो अभी जो है वो हमने साथ में दूसरी चीज़ें भी बनाकर वैरायटी की है। ये जो मिर्च है ये वाली रेसिपी तो ज़रूर बनाइएगा आप लोग, और बताइएगा कमेंट में। और वैसे भी देखकर आपको कैसी ये रेसिपी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा। ट्राई करें और मज़े करें और इंजॉयमेंट करें। तो ओके, खुदा हाफिज़। ऐसे ही हम और व्लॉग्स और रेसिपीज़ के साथ आते रहेंगे। बाय।